हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी लोग मस्त हो गए। अभी मैं आपको ले चलता हूँ एक माता का मंदिर दिखाता हूँ, बने रहिए ब्लॉग। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. यह है देगराय माता का मंदिर, जो कि जैसलमेर से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित है। यह जैसलमेर बाड़मेर रोड से आते हुए देवीकोट के पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर दूर स्थित है। यह माता का मंदिर आवड़ माता का मंदिर भी कहलाता है। देगराय माता का मंदिर काफ़ी पुराना बताया जाता है, लगभग 800 साल पुराना। अब यह मंदिर जैसलमेर के पत्थरों से काफ़ी खूबसूरत नक्काशी नुमा बनाया गया है। इस माता के मंदिर के अंदर आवड़ माता की बहुत सारी मूर्तियां हैं। इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर तालाब है, जिसमें बाहर से बहुत सारे पक्षी आते हैं। इस माता मंदिर के चारों ओर परिक्रमा लगाने के लिए भी जगह बनी हुई है, जो मंदिर के चारों ओर परिक्रमा लगाने के काम में आती है। यह मंदिर देवराय माता का मंदिर नाम से प्रसिद्ध है। इसका नौ देवी मार्च के माह में मेला लगता है। इस मंदिर में एक जाल का पेड़ है, जैसे बताते हैं कि इसके दो पत्ते खाने से आदमी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, और इस पेड़ पर लाल कपड़े बांधे जाते हैं अपनी मनोकामना मांगने के लिए। ये इतना सुंदर तालाब जो कभी भी सूखता नहीं है, इसमें पानी हमेशा रहता है, और यहाँ के जीव जंतु यहाँ पर आकर पानी पीते हैं। इस मंदिर के अंदर यज्ञ करने के लिए भी जगह बनी हुई है। ये यज्ञ की जगह, यहाँ पर हमेशा हवन होता ही रहता है। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि यहाँ जयसौर नामक व्यक्ति के कोई भी संतान नहीं थी, तो उन्होंने यहाँ पर आकर इस चाल के पेड़ से पत्ते खाए थे, जो कि उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उन्हें 5 बच्चों की प्राप्ति हुई। इसका बरांडा आगे से काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर लगभग हजारों श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पर पेड़ के ऊपर लाल कपड़ा बांधते हैं, जो कि यहाँ की मान्यता है। और बताया जाता है कि देगराय माता का मंदिर जैसलमेर में काफ़ी प्रसिद्ध है।
यह मंदिर भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा बना हुआ है। इसमें अभी भी काम चल रहा है, लोग यहाँ पर दान करते हैं और यहाँ पर दान के पैसों से कमरे बनाए जाते हैं जिसमें दूर दूर से आने वाले लोग और श्रद्धालु आराम से रह सकें। और यह पहले काफ़ी कम जगह हुआ करती थी रहने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर ठहरने की पूरी व्यवस्था है और ये यज्ञ करने का भी स्थान यहाँ बनाया गया है और यह काफ़ी क्षेत्र में बना हुआ है जो काफ़ी फेमस मंदिर है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही जैसलमेर में और भी नए नए और प्रसिद्ध मंदिरों को हम दिखाएंगे आप लोगों को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम। समा है तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है तुम रह